अस्सलामुअलैकुम एंड हे गाइस, व्हाट्स अप एवरीवन, माय नेम इज आदम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड आप सभी लोगों एक न्यू ब्लॉग में खुशामदीद। जैसे कि आप देख सकते हो, अभी मैं मेरे सेटअप पे बैठा हूँ। लास्ट व्लॉग को जस्ट मैंने एंड किया हूँ, अभी लास्ट व्लॉग को मैं एडिट करूँगा, उसके बाद अपलोड करूँगा। एंड मीनवाइल अभी जस्ट मैंने इंस्टाग्राम को चेक किया, इंस्टाग्राम नहीं चल रहा है एंड ऑल्सो फेसबुक भी नहीं चल रहा है, बाकी यूट्यूब चल रहा है, स्नैपचैट चल रहा है एंड ट्विटर चल रहा है, बट इंस्टाग्राम एंड फेसबुक का सर्वर आई थिंक डाउन है। ऑल्सो अभी ट्विटर पे भी ट्रेंड हो रहा है दैट फेसबुक डाउन करके, लिटिल कुछ टाइम तो लगने वाला ही है। होप करता हूँ दैट आपको लास्ट व्लॉग पसंद आया ही होगा। ठीक है, मैं आपको लास्ट व्लॉग में कहा था दैट मैं लंबे व्लॉग्स बनाने की कोशिश करूंगा, तो इंशाल्लाह वाला व्लॉग लंबा बनेगा। नेक्स्ट मॉर्निंग इंस्टाग्राम पर फेसबुक का जो है सर्वर डाउन हो गया था, तो एग्जैक्ट वही हुआ, तो काफ़ी घंटे सर्वर डाउन रहे एंड फाइनली अभी जो है सब वर्किंग है। दोपहर का बज रहे 4 एंड असर की नमाज पढ़ने के बाद मैं और रहल जाएगा एक शॉर्ट राइड पे साइकिल की। डन है जी, साइकिल में हवा भर चुकी आगे पीछे दोनों बाजू। नाउ आई डोंट नो लास्ट टाइम मैंने कब एक्सरसाइज किया था, बट दिस इज द हाई टाइम मुझे लगता है एक्सरसाइज स्टार्ट कर देना चाहिए। जब भी मैं मिरर के सामने देखता हूँ तो मुझे लगता है दैट मैं थोड़ा लीन हो गया। एंड नाउ आई डोंट नो इफ मुझे ऐसा लगता है या एक्चुअल में ऐसा हो रहा है। आप लीन हो चाहे आप फैट हो, आपको एक्सरसाइज जो है हर रोज करना चाहिए, एटलीस्ट आधा घंटा या 15 मिनट मैं भी करने वाला हूँ। अभी जस्ट मैं साइकिल में हवा भरा हूँ, अभी टी शर्ट को चेंज करने के बाद जो मैं रेगुलरली एक्सरसाइज करते वक्त टी शर्ट पहनता था वो मैं भी पहन रहा हूँ। एंड अभी कुछ मैं 10 से 15 मिनट एक्सरसाइज करूँगा, उसके बाद असर की नमाज पढ़ के मैं और आइल जाएगा साइकिलिंग के। अब ये वो टी शर्ट है जिसको पहन के मैं एक्सरसाइज करता हूँ एंड ये मुझे प्रॉपरली अभी तक आ रही है एकदम परफेक्टली, तो मुझे लगता है मेरे चाउमीन में जो फैट हो इतना बड़ा नहीं है, बट एक्सरसाइज करना ज़रूरी है। तो मिलता है मैं आपको 15 से 20 मिनट करने के बाद, क्योंकि एक्सरसाइज करते वक्त शूट करना एक तरीके से एक्सरसाइज आपकी नहीं हो पाती है, ऑल्सो आप थोड़ा तो डिस्ट्रैक्ट भी हो जाते हो, तो मैं अच्छी तरीके से पूरे एक्सरसाइज कर लेता हूँ, देन फिर आपको मिलता हूँ। थोड़ी देर पहले जब मैंने कहा दैट मैं एक्सरसाइज करते वक्त शूट नहीं करूँगा, अगर मैं शूट नहीं करता तो आपको कैसे यकीन होता दैट मैं भी एक्सरसाइज कर रहा था या नहीं। तो जो बेसिक एक्सरसाइज होती है वो मैं कर लेता हूँ, बट जब बात पुशअप की आती है तब मैं ऑलमोस्ट गिव अप कर लेता हूँ, जो कि मुझे नहीं करना है। तो मैं ज़्यादा फोकस करना है पुशअप्स पर। तो अभी जो मैं पुशअप करने वाला एक बेसिक से स्टार्ट है, इसके बाद मैं इंशाल्लाह फ्लोर पर भी करूँगा। नाउ पुशअप्स आपको इतने करने आप ना कर सकते हो, मेरे से अराउंड 10 से 15 हुए, जो कि अच्छी बात है, पहले से ज़्यादा इंप्रूव हो चुका है। और दो मैं इतना एक्सरसाइज नहीं करता था, बट स्टिल नाइस। वो जो दोनों भी टी शर्ट थे वो साइज में परफेक्ट हो रहे थे, बट उनकी लेंथ थी वो छोटी थी एज कम्पेयर टू दिस वन, यू कैन सी। तो इसकी वजह से मैंने दोनों को भी उतार दिया, अभी मैं पढ़ रहा हूँ नमाज, उसके बाद साइकिलिंग पर चले गए। बाकी अपने मोहसिन भाई का घर जहाँ पे छोटी छोटी पत्तियां जो है उगी है अभी, जैसे आप देख सकते हो अभी एक ऐसी जमीन है सिंपल से। कुछ टाइम मोहसिन भाई का घर ऐसा ही रहा, तो सिमिलर हो जाएगा इसकी तरह। बाकी आप देख सकते हो कितनी ज्यादा धूप है यहाँ पे। अस्सलाम वालेकुम, आपको मैं एक फनी बात सुनाता हूँ। जैसे कि मैं आपको आगे कहा था दैट इंस्टाग्राम का एंड फेसबुक का जो सर्वर डाउन हो गया था सिर्फ कुछ घंटों के लिए, जैसे ही सबके सर्वर बैक टू नॉर्मल हो गए तब आप यकीन नहीं करोगे मुझे इतने सारे फॉरवर्ड्स आए व्हाट्सएप पे, जो कि 100% फेक था। मुझे पता है दैट ये फॉरवर्ड्स हैं, ये जो ऑडियो क्लिप्स मुझे आ रहे थे वो फेक थे,
बट ये काइंड ऑफ फनी है, ये एक टाइम पे जो है एक दिक्कत दे सकता है उनके लिए जिनको ये लगता होगा ये रियल था। सिर्फ कुछ घंटों के लिए सर्वर आउट हुआ था, उसमें काफी सारे मुझे मैसेज आ चुके थे, लगता नहीं ये कभी बंद होने वाला है टू बी ऑनेस्ट। एंड एक बात कहना था दैट ऐसे किसी भी फॉरवर्ड्स को आप बिना रिसर्च किए बगैर फॉरवर्ड मत करना। आपको पता होगा या नहीं काफी जो फॉरवर्ड्स है वो फेक होते हैं, आपको खामखा किसी को तकलीफ दे सकते हैं उसकी वजह से। तो अभी ऐसी कुछ जगह पे है हम लोग, एंड वो जो आप देख रहे हो उसके बाद से चालू होता है मेरा गांव। पर बेसिकली आप एक गेट हुआ करता था पहले के जमाने में, अभी तो नहीं है फिलहाल। ये जो आप रोड देख रहे हो ज्यादा भावनगर की तरफ, जो कि मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ पहले भी। एंड जस्ट लुक एट दिस ब्यूटीफुल सनसेट, दिस इज वर्थ इट। और बेंगे कितना मामा? 30-150 किलो के अंदर किलो किलो 100 फाइनली। अभी जस्ट साइट आई है 2 मिनट पहले, अगर आपका कुकर की सिटी है और टाइम एक्सट्रीमली सॉरी। तो अभी थोड़ी देर पहले मैं गया था साइकिल की राइड पे एकदम पास में ही, एंड टाइम ऐसा था दैट मैं कुछ शूट नहीं कर पाया, तो जिसकी वजह से मैं आपको ज्यादा कुछ दिखा नहीं पाया। सो इट्स टाइम टू एंड दिस व्लॉग, अभी गया साइकिल व्लॉग, इट गेट्स डिड देन मेक श्योर यू सब्सक्राइब माय YouTube चैनल, एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो और व्लॉग। टिल देन आई होप यू आर डूइंग बिग एंड पीस आउट, आई सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। एंड इसके बाद वाला व्लॉग ये मिस मत करना, क्योंकि मैं जा रहा हूं गोस्पक दादा के दरगाह पे, वहां पे मुईन बाबू भी है, एंड ऑल्सो मिलाज शरीफ का भी प्रोग्राम है, एंड फेसबुक पे, ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे भी, स्नैपचैट पे भी एड फॉलो सब कर लो। थैंक यू सो मच वंस अगेन, आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। टिल देन पीस आउट।